खबरों दिन भर मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मानसून की बारिश का दौर इस बार रुक रुक कर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले एक महीने से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि बीच बीच में बारिश ने दो बार 3 से 4 दिन का ब्रेक लिया, लेकिन बारिश का दौर अभी तक थमा नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार 1 सितंबर से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई है। विभाग ने कल 1 सितंबर के लिए प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 22 में से 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। राजस्थान में करीब 68 लाख परिवार को 1 सितंबर को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल राजस्थान MFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी तक ये सुविधा सिर्फ BPL और उज्ज्वल योजना के तहत मिलती थी। इस फैसले से 68 लाख नए परिवारों को फायदा होगा। राज्य सरकार पर इससे 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। राजस्थान के अजमेर जिले के गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त युवति के साथ पड़ोस में रहने वाले शराबी युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को राउंड अप किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते समय स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई भी की। धौलपुर जिले के लोगों ने जलभराव की समस्या का निवारण में जिला प्रशासन और विधायक शोभारानी कुशवा की नाकामी पर गंभीर विरोध जताया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए शोभारानी कुशवा के लापता होने के पोस्टर कई कॉलोनियों की दीवारों पर लगा दिए और जिला प्रशासन और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार कर दिया। शनिवार को पार्टी ने उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कई जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि कंगना संसद में रहने लायक नहीं है। वाड्रा ने कंगना की एजुकेशनल योग्यता पर भी टिप्पणी की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद JMM को एक और झटका लगा। JMM के कद्दावर नेता और 5 भार के विधायक रहे लोबिन हैम्बर्ग ने JMM का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। वो झारखंड के बोरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी की सदस्यता ली। असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल ने उनको पार्टी का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझा और हमने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आज कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया, जिसने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। वो लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। शिवजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तार चेतन पटेल को कोर्ट ने 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बता दूं, इससे पहले सिद्धूर पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पटेल को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें से एक मेरठ से लखनऊ और 2 मदुरे से बेंगलुरु और चेन्नई से नगरकोइल को जोड़ेगी। मोदी ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।